हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ेंगे। देखो, ये मैं नितिन हूँ और ये दुर्गेश सर जी हैं। तो आज हम जानेंगे कि पेडागोजी में हम आंसर कैसे देते हैं, ठीक है? सही, और बहुत आसान तरीके से देंगे और नंबर अच्छे पेडागोजी में 15 में से 15 लाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, जो सीटेट 2020-21 में इसलिए लिखा है क्योंकि पता नहीं है सीटेट कब होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, आप जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही। तो ग्रामर शुड बी टॉट वाई, जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट तरीका, जहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट दिख जाए वो आंसर लगा देंगे। तो गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं। अब आपको यही मुझे रोकना चाहिए था कि सर इसमें कॉन्टेक्स्ट है, तो वैसे तो यही आंसर है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दिया। गलत। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, रूल्स कोई नहीं कराने। मेकिंग लर्नर टू रिटन असाइनमेंट, तो ये भी नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ें पता चली, कितनी आसानी से हमने आंसर दे दिया। ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आ रहा है, देखो मैंने आंसर भी दे रखे नीचे, तो आप देखते रहें पूरी सीरीज को। और छोटा सा वीडियो है, आप जरूर देखें, पेपर में आप में क्वेश्चन 2 मिल ही जाएंगे इसमें से। देर आर 44 स्टूडेंट इन इंग्लिश, आउट ऑफ दिस हाउ मैनी साउंड्स आर वोवल एंड हाउ मैनी आर कंसोनेंट रेस्पेक्टिव। देखो 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, और वो उसमें कितने वोवल्स कितने कंसोनेंट, वोवल्स 20 हैं और 24 कंसोनेंट हैं। ये हो गए, हम जल्दी जल्दी से करते हैं। आंसर भी दे रखे मैंने नीचे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। Which one of the following is not true about the status of English language across the world? English as native language, English native language है, तो ये इन्होंने क्या पूछा था? Not पूछा था। Heritage language नहीं होती English, अगर मुझे आती है जरूरी नहीं मेरे बच्चे को आए। तो आंसर तो यही है, क्यों है ये not की वजह से है आंसर। English as a foreign language, बिल्कुल सही बात है, ये कट गया क्योंकि नहीं पूछा था। English as a second language, बिल्कुल सही बात, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज है। इन्होंने पूछा था कि नहीं कौन सी है वो पूछा था, तो इसमें हमारा आंसर हुआ था दूसरा। इसके आंसर भी मैंने नीचे दे रखे हैं, आप पूरा देख सकते हैं, बहुत आसानी है, पूरी वीडियो देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। दस स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नाउन एज सिमेटिक, ये फैक्ट है, याद कर लो। जहाँ स्टडी वर्ड्स की जाती है, मीनिंग की जाती है, वो सिमेटिक कहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए, और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। एटिमोलॉजी क्या है, ये क्या करता है? साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड, किस यानी जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसकी साइंस है, उसके बारे में पता करता है, एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चनों को। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ही ईजी तरह से, देखो इसका आंसर बता दो आप सारे। ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, वर्ड का कैसे आप मीनिंग पा सकते हैं। अब ये मत कहना कि कॉन्टेक्स्ट इसमें रिलेशन दे, ये गलत है, फॉर्म डिक्शनरी ऑनर गलत है, स्पेलिंग गलत है। फॉर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जो ओरिजिन से शुरुआत से चलते हैं, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो गेट्स फाइंड करता है वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके लिए इतनी आसानी से, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने उसमें खुद पढ़ा रहा हूँ और आपको आंसर भी दे रखे हैं। इससे अच्छी PPT आपको कहाँ मिलेगी। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम स्कूल एट सी के एडमिशन, गलत। लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट, बिल्कुल गलत। लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल गलत। ये होगा द फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली टू कम टू स्कूल, यानी तो फर्स्ट जनरेशन लर्न कहाँ से करती है, अपनी फैमिली से सीखती है, ठीक है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये हमारा डी। तो ये अब चलते हैं इसकी तरफ। ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, देखो आइडिया होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, कोरेंस होती है। अब मैं आपको एक तरह से पैसेज कराऊंगा, तो उसमें आइडिया यूनिक होंगे, प्रेजेंटेशन होगी एंड कोरेंस होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, कहाँ से सीख सकता है वो? मोटिवेशन से सीख सकता है। अगर मैं आपको कहूँ इंग्लिश बहुत ईजी है, आप आसानी सीख सकते हो, तो सीख सकते हो, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। तो मोटिवेशन से आप आसानी से सीख सकते हो, तो ये चीज़ें हैं। तो डी आंसर था इसका। और इस तरह से हमारी ये छोटी सी वीडियो 4 मिनट की
थी पूरी ख़त्म हुई। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। तो लर्निंग विद दुर्गेश पे आपका धन्यवाद।